बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। बता दें कि ये फिल्म देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लागू की गई इमरजेंसी पे बनी है। इस फिल्म में कंगना रनौत जहां इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं, तो वहीं फिल्म में एक्टर श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म 6 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। हालांकि बता दें कि इमरजेंसी को अभी तक सेंसर बोर्ड की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली है। यस, यू हर्ड दैट राइट। इस बात की जानकारी खुद कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है, कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरांवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country। आपको बताते चलें कि श्रोमणी अकाली दल ने एक लीगल नोटिस भेजकर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर बैन लगाने की मांग की थी। इसके साथ ही एसएडी ने भी ये दावा किया है कि ये फिल्म देश के धार्मिक तनावों को भड़का सकती है। वेल, आप हमें इस स्टोरी पे अपनी राय बताना ना भूलें। फॉर मोर सच कॉन्टेंट डू लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू बॉलीवुड लाइफ.com।